नमस्कार, मैं कृष्णा सोनी मेरे चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं भरुआ बाटी। और भरुआ बाटी बनाने के लिए यहाँ मैंने 5 आलू लिए हैं। ये मैंने पहले हम बाटी का मसाला तैयार करेंगे, बाद में मैं आपको बाटी बनाना बताऊँगी। तो इसके लिए मैंने 5-6 आलू लिए हैं। ये मैंने जीरा लिया है, ये राई है, ये लाल मिर्च पाउडर है, ये सौंफ है, ये कसूरी मेथी है, ये 2-3 मैंने हरी मिर्च बारीक काटी है, ये मैंने काली मिर्च मोटी मोटी दरदरी कूटी है, और ये अमचूर पाउडर है, ये गरम मसाला है, ये हल्दी पाउडर है, और ये मोटा मोटा धनिया पाउडर धनिया है। ये देखिए मैंने धनिया मोटा कूटा है, और इसके अंदर ही मैंने थोड़ा बारीक कूटा है, बारीक पिसा हुआ धनिया डाला है। ये नमक है, ये मैंने मटर को उबाल लिया है, और ये मैंने 2-5-6 किशमिश ली है, 2-4 मैंने बादाम के टुकड़े लिए हैं, 8-10 मैंने काजू काट लिए हैं, और ये तेल है मसाला फ्राई करने के लिए। हमने आलू के को उबाल कर उसके छिलके उतार लिए हैं। अब मैं आलू को मैश कर देती हूँ। इस तरह आलू को मैश कर देते हैं। ये आलू मैंने मैश कर लिए हैं। अब मैं इन्हें रख देती हूँ और गैस ऑन कर देती हूँ। गैस ऑन करके मैं कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल देती हूँ। कढ़ाई में हम 1 बड़ा चम्मच तेल डाल देंगे। ये देखिए, ये मैंने 1 बड़ा चम्मच तेल डाल दिया है। अब हम तेल को थोड़ा गरम कर लेंगे। तेल को गरम होने दीजिए, फिर इसके अंदर जीरा डालेंगे। तेल गरम हो चुका है, मैं इसमें मैंने 1/2 चम्मच इसके अंदर जीरा डाल दिया। मैं 1/2 चम्मच इसके अंदर राई डाल दूंगी, और अब मैं इसके अंदर गैस बंद कर दूंगी ताकि हमारा तेल थोड़ा ठंडा हो जाए। मैं इसके अंदर थोड़ी सी लाल मिर्च डालकर हरी मिर्च डाल दूँ। अब मैं इसमें मैंने जो बॉईल किए थे मटर, वो मटर डाल दूँगी इस तरह। और अब हम इसके अंदर सारे मसाले ऐड कर देंगे। सबसे पहले मैं इसमें हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, सौंफ 1/2 चम्मच, काली मिर्च 1/2 चम्मच, अमचूर पाउडर 1/2 चम्मच, और कसूरी मेथी। मैंने बाद में कसूरी मेथी डाली है ताकि इसकी खुशबू अच्छे से आए। और ये नमक, ज़रूरी नहीं है हम कसूरी मेथी तेल के अंदर ही डालें, हम इसे बाद में भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच में यहाँ नमक डाल दिया, और इसे अच्छे से मिला लूँगी। अब मैं गैस ऑन कर दूँगी, और गैस ऑन करके इसे अच्छे से पका लूँगी। हम इसमें गरम मसाला और ड्राई फ्रूट बाद में डालेंगे। देखिए, थोड़ी देर पकने दीजिए, फिर इसके अंदर आलू डाल देंगे। मैं इसके अंदर आलू डाल दूँ, इस तरह आलू डाल देंगे, और इन्हें अच्छे से मैश कर लेंगे, हिला लेंगे। ये देखिए, हमने अच्छे से मसाला मिला लिया है आलू के अंदर। अब हम इसमें इसे थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। इसे केवल 2 मिनट के लिए अच्छे से पका लीजिए, ताकि हमारे आलू के अंदर मसाला अच्छे से ऐड हो जाए। अब हम इसके अंदर गरम मसाला डाल देंगे। हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो गया। मैंने 1/2 चम्मच इसके अंदर गरम मसाला डाल दिया, और इसे भी अच्छे से मिला दिया। अब मैं इसके अंदर ड्राई फ्रूट डाल दूंगी। ये मैंने किशमिश डाल दी, बादाम डाल दी, और काजू डाल दिए, और इन्हें अच्छे से मिलाकर गैस बंद कर देंगे। मसाला अच्छे से ठंडा होने दीजिए, तब तक हमारा डो तैयार कर लेंगे। मैंने मसाला ठंडा करने के लिए रख दिया है। जब तक हमारा मसाला ठंडा होता है, मैं बाटी के लिए डो तैयार कर लेती हूँ। इसके लिए मैंने 1 कटोरी यहाँ आटा लिया है, और ये नमक लिया है। नमक मैं इसमें 1/2 चम्मच डालूँगी। मैंने मीठा सोडा लिया है 1 पिंच, यानी इतना सा मैंने यहाँ मीठा सोडा डाला है। और ये मैंने यहाँ अजवाइन डाली है, 1/2 चम्मच अजवाइन है हमारी, और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे।
अब मैं इसके अंदर मोहन डालूंगी और मोहन के लिए मैंने एक बड़ा चम्मच घी लिया है और इसे मैं इसके अंदर डाल दूंगी। इसे हम अच्छे से मैश कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से मोहन लग गए हैं हमारे। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर डो लगा लूँगी। आप इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छा सॉफ्ट डो लगा लीजिए। ये देखिए हम इसे अच्छा मसल मसल कर डो लगा लेंगे। इस तरह मैंने अच्छा सॉफ्ट डो लगा लिया। इस तरह डो लगाकर हम इसे रख देंगे और 5 मिनट के लिए इसे सेट होने देंगे। तब तक हम हमारी कढ़ाई में घी डाल देते हैं। अब मैं गैस ऑन कर देती हूँ और हमारी कढ़ाई के अंदर घी डाल देती हूँ। देखिए हमने देसी घी लिया है। मैं इसके अंदर घी डाल देती हूँ। घी आप इतना डालिए जिससे अपनी बाटी अच्छे से फ्राई हो जाए। अब हम हमारा डो एक बार और मसल कर अच्छे से सेट कर लेंगे। इस तरह अच्छे से मसल लीजिए। इस तरह अच्छे से मसल लीजिए हाथों की सहायता से। और अब मैं इसकी बाटियाँ बनाने जा रही हूँ। हमारा घी गर्म हो रहा है और मैं अब इसकी बाटियाँ बना दूँगी। बाटियाँ आप चाहो जितनी मोटी और छोटी बना सकते हो। इस तरह मैंने यहाँ लोई ले ली और लोई लेकर इसे अच्छे से दबा लिया। इस तरह लोई को अच्छे से दबा लेंगे। इस तरह कर लेंगे और इस तरह उंगलियों से आप इसे इस तरह दबा दीजिए। उंगलियों से आप इसे अच्छे से दबा लीजिए ताकि अच्छे से कटोरी टाइप हो जाए। अब मैं इसके अंदर मसाला भर दूंगी। ये हमने इसके अंदर अच्छे से मसाला भर दिया। इस तरह मसाला भर दिया। अब मैं किनारों की सहायता से इस तरह किनारे लेकर इसे अच्छे से फोल्ड कर दूंगी। इस तरह किनारे लेकर हम इसे फोल्ड कर देंगे। इस तरह ऐसे हम इसे अच्छे से फोल्ड कर देंगे और इस तरह इसका एक्स्ट्रा आटा निकाल देंगे। इसे अच्छे से दबा लीजिए इस तरह। और इस तरह हम हमारी पूरी बाटियाँ बनाकर रख देंगे। इस तरह दबा दबा कर आप लोई बनाइए। इस तरह उंगलियों की सहायता से और इसमें मसाला डाल दीजिए और इसे अच्छे से फोल्ड कर लीजिए। इस तरह मसाला डाल दीजिए और फिर मसाले को अच्छे से इस तरह फोल्ड कर लीजिए। अब इनको इस तरह मिला लीजिए और एक्स्ट्रा जो आटा आता है ऊपर उसे हटा लीजिए और अच्छे से दबाकर गोल कर लीजिए। ये इस तरह हमारी बाटियाँ रेडी हो गई। इसी तरह बनाएंगे। इस तरह आप लोई बनाइए। ये देखिए इस तरह लोई बनाइए। इस तरह से फैला लीजिए हाथों की सहायता से, अंगूठे व उंगलियों की सहायता से इसे फैला लीजिए और इस तरह दबाकर आप इसे थोड़ी कटोरी टाइप बना दीजिए। और फिर मसाला डालिए इसके अंदर और मसाले को अच्छे से दबा दीजिए और इसके किनारे उठाकर दूसरे किनारों से फोल्ड कर दीजिए। इस तरह अब हमारा घी एकदम तैयार हो गया है। किनारे आप अच्छे से दबाइए। ये देखिए मैं इसे अच्छे से दबा दूंगी और अच्छे से गोल कर लीजिए। इस तरह फोल्ड करके इस तरह गोल करके दबा दीजिए। अब हमारा घी गर्म हो चुका है। मैं इसके अंदर बाटियाँ डाल दूँगी। मैंने यहाँ मोटी भी बनाई है और छोटी भी बनाई है। ये मैंने छोटी बनाई है और ये मोटी बनाई है। आप चाहो जैसा आकार बाटियों को दे सकते हैं और इस तरह से फ्राई कर लीजिए। आँच हम मीडियम रखेंगे और एक तरफ से सिकने के बाद हम हमारी बाटियों को इस तरह पलट कर देखेंगे। इस तरह पलट दीजिए बाटियों को। इस तरह पलट पलट कर अच्छे से सेक लेंगे। इसकी आँच मैंने एकदम मीडियम रखी है।
आप मीडियम आंच पर इसे अच्छे से पका लीजिए। गोल्डन ब्राउन होने पर आप इसे निकाल दीजिए। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, हम ये देखिए हमारी बाटी एकदम तैयार हो चुकी है। मैंने इसे बिल्कुल बारीक आंच पर सेका है, आप इसे बिल्कुल बारीक आंच पर सेकिए। और घी भी हमें ज़्यादा तेज गर्म नहीं करना है, बिल्कुल मीडियम गर्म करना है। अब हम हमारी बाटियाँ निकाल लेंगे। बहुत अच्छी बाटियाँ बनी है हमारी, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए अब मैं इसे निकाल लूँगी, सीक कर निकाल ली है। अब हम बाकी की बाटियाँ डालकर अच्छे से सेक लेंगे। इस तरह सारी बाटियाँ एकदम मीडियम गैस पर सेकिए और अच्छे से, जितनी अच्छी हमारी बाटियाँ की सिकाई होगी वो उतनी ही अच्छी बनेगी। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी मसालेदार बाटियाँ बनी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। मैंने यहाँ आलू की मसालेदार बाटियाँ बनाई, ये देखिए हमारी बाटियाँ कितनी अच्छी बाटियाँ बनी है, और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और मेरे चैनल महेंद्र सोनी को सब्सक्राइब व लाइक कीजिए। ये देखिए आप इसे बनाकर ट्राई करेंगे तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप बाटियाँ बनाते समय अच्छे से दबाइए ताकि वो खुले ना, और प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और मेरे चैनल महेंद्र सोनी को सब्सक्राइब व लाइक कीजिए। थैंक